हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। निर्वाचन आयोग का एक गाइडलाइन जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि रात में बूथ पर नहीं रुकेंगी महिला कर्मी। तो आइए पूरी न्यूज़ को देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचक आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने शनिवार को राज्य के पहले फेज के 71 विधानसभा चुनाव की देखरेख के लिए तैनात किए गए ऑब्जर्वर से वर्चुअल बात की। उन्होंने वोटिंग के दौरान कोरोना को लेकर की जा रही तैयारी की जानकारी ली। कोरोना को लेकर चुनाव आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुपालन की अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट को जाना। प्रेक्षकों ने बताया कि कोरोना को लेकर सभी जिले में मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, पीपीईटी किट भेजने का काम जारी है। केवल पटना व भागलपुर जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में सामग्री भेज दी गई है। सभी जिले में 8-8 सौ पीपीईटी किट भेजा जा रहा है, जहां निर्वाचन विभाग के अपर मुख्य सचिव निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव कार्य में लगे महिला कर्मियों को रात में बूथ पर ठहरने की जरूरत नहीं होगी। महिलाओं को मतदान से 2 घंटे पहले या प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार मतदान केंद्र पर आना होगा। और एक और चीज़ है कि गलत हाथ में लगी स्याही तो होगी समस्या, क्योंकि अभी फिलहाल एक और चुनाव है। स्नातक व शिक्षक निर्वाचन कार्य को लेकर शुक्रवार को मुख्य जो विधान परिषद का चुनाव हो रहा है उसको लेकर, विधान परिषद के स्नातक व शिक्षक निर्वाचन कार्य को लेकर शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की सभी प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिला अधिकारी और विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे। चुनाव के दौरान सहित हाथों की उंगलियों में अमिट स्याही नहीं लगाने मतदाताओं को परेशानी हो सकती है, इसलिए एक बार दोबारा बताया जा रहा है कि स्नातक निर्वाचन में दाहिने हाथ की तर्जनी व शिक्षक निर्वाचन में दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली पर निशान लगाना होगा, जबकि विधानसभा निर्वाचन व वाल्मीकि नगर के लोस उपचुनाव के दौरान मतदाताओं को बाएं हाथ की तर्जनी उंगली में अमिट निशान लगाया जाएगा। दूसरे चरण में 1698 अभ्यर्थियों का नामांकन स्क्रूटनी जारी। तो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट न्यूज़ यही है महिला कर्मियों को लेकर, क्योंकि महिला कर्मी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बूथ पर रुकने में। तो ये अच्छी खबर है कि जो महिला कर्मी है उनको बूथ पर रात को रुकना नहीं होगा, उनको चुनाव जितने बजे से स्टार्ट होगा उससे 2 घंटे पहले बूथ पर पहुँचना होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।